नमस्कार दोस्तों, छोटू मम्मी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अदरक का चटपटा स्वादिष्ट अचार। इसके लिए हमें चाहिए आधा केजी अदरक, 100 ग्राम सरसों, 100 ग्राम मेथी, 3-4 चम्मच लाल मिर्च, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम धनिया, स्वाद अनुसार नमक, 3 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच आमचूर। अब हमें वो अदरक को बारीक बारीक पीसीज में काट लिया और 2 घंटे के लिए धूप में सुखा दिया था। चलिए अब हम इन खड़े मसालों को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, गैस को ऑन कर देते हैं। चलिए अब हम गैस को ऑन करते हैं। देखिए अब हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसमें डालती हूँ मेथी दाना और उसको हल्के हाथ से चला लेती हूँ। अब इसमें को हम बगैर तेल के मेथी को थोड़ा भून लेते हैं। थोड़ी गर्म होगी मेथी, इसमें हम डालती हूँ सरसों दाना और उसके बाद डालती हूँ धनिया। चलाते रहना इसको धीरे धीरे। और इसमें डाल दिया सौंफ और अब डालती हूँ इसमें मैं अजवाइन। अब इनको थोड़ा हल्का ब्राउन हो कर लेती हूँ। स्लो आंच में करना इनको, नहीं तो ये जल जाएंगे। ऐसे ऐसे चलाते रहना इनको बीच बीच में। चलिए देखना, अब हमारे ये खड़े मसाले भून कर तैयार हो चुके हैं और अब मैं इस गैस को बंद कर देती हूँ और इनको 10 मिनट के लिए एक प्लेट में निकाल कर रख देती हूँ। दस मिनट के लिए इनको ठंडा होने तक छोड़ देती हूँ। देखना कितनी अच्छी खुशबू आ रही है हमारे मसालों में। चलिए देखना, अब हमारे मसाले ये ठंडे होके तैयार हो चुके। जार में डालकर इसको मैं दरदरा पीस लेती हूँ। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, देखो ये दरदरा ऐसे ऐसा पीसना है। इसके हमारा तैयार हो गया। चलिए अब हम गैस को ऑन करते हैं, कढ़ाई रखती। अब इसमें मैं डालती हूँ 100 ग्राम सरसों का तेल। अचार में हमेशा सरसों का तेल ही डालना चाहिए क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और काफ़ी दिनों तक चलता है हमारा अचार, ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। अब इसको धुआं निकलने तक गर्म होने दीजिएगा। देखिए अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसको मैं गैस को बंद कर देती हूँ और इसमें 1 चम्मच हींग डालती हूँ, 2 चम्मच हल्दी पाउडर। मैं इसको हिला देती हूँ और अब इसमें डालती हूँ मैं ये पीसे हुए हमारे खड़े मसाले। दो चम्मच आमचूर, इसी हुई लाल मिर्च, कलर के लिए
कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच, इससे हमारे अचार का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसको मैं आधा घंटे के लिए ठंडा होने तक छोड़ देती हूँ। इसको धीरे धीरे ऐसे चलाते रहो ताकि ये मसाले जलेंगे नहीं, क्योंकि हमारी कढ़ाई गर्म है ना बहुत ज़्यादा, तो इसको चलाते रहो, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब देखना ये हल्का ठंडा हो गया। अब इस देखिए, अब ये हमारा ठंडा हो चुका है और इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ ताकि एकदम से ठंडा हो जाएगा। देखिए, अब हमारे मसाले ने बिल्कुल तेल छोड़ दिया है और ये ठंडा हो गया। अब इसके अंदर मैं डालती हूँ स्वाद अनुसार नमक और इसको पूरे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ ताकि कहीं कम या ज़्यादा ना रहे। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है हमारे मसाले में। और अब इसके अंदर मैं डालूंगी जो हमारी ये अदरक कटी हुई थी, उसको थोड़ी थोड़ी करके डालना ताकि इसका मसाला अच्छे से लग जाए और अच्छे से मिला लेना ऐसे। अच्छे से मिलाना इसको धीरे धीरे चला के ऐसे। देखना कितना अच्छा कलर आया हमारे अचार का। ये अचार हमारा 2 साल तक खराब नहीं होगा, बिल्कुल ही टेस्टी बनेगा और ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। सर्दियों में खांसी जुकाम बुखार तो ये खा लो तो अच्छा रहता है। देखिए, अब इसको मैं बिल्कुल ठंडा होने तक कढ़ाई में ही छोड़ देती हूँ और जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसको मैं कांच के जार में डाल दूँगी। चलिए देखना, अब हमारा अचार बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको एक कांच के जार में डालती हूँ। कांच का जार बिल्कुल धो के सूखा हुआ होना चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। देखना हमारा जार बिल्कुल सूखा हुआ है ताकि ये अचार सालों साल खराब नहीं होगा। इसको मैं अच्छे से इसके अंदर डाल देती हूँ चम्मच से। बहुत ही स्वादिष्ट टेस्ट अचार है ये हमारा। कितना अच्छा कलर आया इसका। ये अदरक का अचार बहुत स्वादिष्ट बना है। हमारे साहब जी तो इसको खाकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। देखना इसको अच्छे से दबा दबा कर भरना है चम्मच से। आप इसको अच्छे से दबा देना ताकि ये खराब नहीं होगा। एक चम्मच डालो, दूसरी से इसको ऐसे दबा देना। बीच में इसके कोई गैप नहीं रहना चाहिए। दबा दो इसको धीरे धीरे। यह हमारा एक जार भर चुका है। अब इसको हम 2 दिन हल्की धूप लगाएंगे
3-4 दिन में ये रेडी हो जाएगा खाने लायक। देखना अब इसको चम्मच से दबा देना ताकि इसके अंदर कोई गैप नहीं रहे। हमारा एकदम से दब चुका है, वो साइडों में से इसको पोंछ कर अच्छे से ढक्कन लगा देना। ढक्कन हमारा साफ सुथरा होना चाहिए और बिल्कुल टाइट बंद कर देना इसको, और 2 दिन के लिए इसको धूप में रख देना।